नमस्कार दोस्तों, ये सवाल किया हुआ है, देख लीजिए पूरे वीडियो को। पांच धुर बराबर कितना हाथ लंबाई चौड़ाई होगा? दोस्तों, एक गट्ठा बराबर 99 इंच के गट्ठे से जानेंगे और इस धुर को जानेंगे। एक धुर बराबर गट्ठा गुड़े एक गट्ठा। दोस्तों, 99 इंच बराबर होता है 8.25 फीट। 8.25 गुड़े 8.25 बराबर ये 68.0625 वर्ग फीट वर्ग फीट होता है। एक धुर बराबर 68.0625 वर्ग फीट को जानेंगे दोस्तों, इस धुर को जानेंगे। धुर का मान और भी बताया गया है, देख लीजिएगा। और इसके बराबर 12.5 कड़ी होता है। एक गट्ठा बराबर 12.5 गुड़े 12.5 बराबर 156.25 वर्ग कड़ी होगा। और हाथ में 5.1 गट्ठा बराबर 5.5 हाथ। 5.5 गुड़े 5.5 बराबर 30.25 वर्ग हाथ। एक धुर बराबर 30.25 वर्ग हाथ होता है। दोस्तों, अब 5 धुर बराबर कितना, इसको जानने के लिए 5 गुड़े फीट में जानना है तो 68.0625 कर दीजिए बराबर 340.3125 वर्ग फीट होगा। ये 5 धुर बराबर, 5 धुर बराबर इतना वर्ग फीट दोस्तों, 340.3125 वर्ग फीट होगा। और 5 गुड़े 156.25 बराबर 781.25 वर्ग कड़ी होगा, इतना वर्ग कड़ी होगा दोस्तों। और हाथ में 5 गुड़े 30.25 बराबर 151.25 वर्ग हाथ होगा। इतना बड़ा प्लाट होगा, देख लीजिए। तेरा हाथ लंबाई और 11.63461 हाथ चौड़ाई दोस्तों। ये 5 धुर है, 5 धुर। ये 13 हाथ, इसकी लंबाई और 11.63 हाथ चौड़ाई है दोस्तों। लंबाई गुड़ी चौड़ाई कर दीजिए, लंबाई गुड़े चौड़ाई 13 गुड़े 11.63
151.19 वर्ग हाथ दोस्तों। ये दशमलव के बाद एक नौ आया है, 25 है। ये दशमलव के बाद कई डिजिट है उसको लेंगे तो 151.25 वर्ग हाथ होगा दोस्तों। इस तरह से आसानी से जान सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।